माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में फजान रूल को अच्छे से समझ लिया था, फजान रूल हमारा क्या होता है और उसके थ्रू हम आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्डिंग दोनों को हमने अच्छे से समझ लिया था बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एक एक करके कि यहाँ पर एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी काफी डाइवर्स होती है बच्चों, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ, तो समझते हो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल बॉन्ड, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इज टू डाइवर्स। कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड इज टू डाइवर्स, ठीक है। आपकी जो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है वो काफी डाइवर्स होती है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी बच्चों अगर आपकी काफी डाइवर्स होगी तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज वी हैव टू यूज सर्टेन मॉडल, ठीक है। हम कुछ मॉडल का यूज करेंगे, तो देखते हैं कि करके कि मॉडल आपके कौन कौन से होंगे। सबसे पहला होगा बच्चों आपका लुईस स्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है। सेकंड आपका क्या होगा, सेकंड आपका मॉडल होगा वीएसईपीआर मॉडल, मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा बच्चों यहां पर, वैलेंस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये आपका मॉडल होगा, वीएसईपीआर मॉडल होगा, ठीक है। अब आपका ध्यान से समझना, थर्ड मॉडल आपका क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होगा थर्ड मॉडल आपका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, तो आज आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। फोर्थ आपका कंसेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ऑर्बिटल मॉडल, ठीक है। ये मॉडल बोलो या थ्योरी बोलो, कई बुकों में आपको थ्योरी लिखा हुआ मिलेगा और कई बुकों में आपको मॉडल लिखा हुआ मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से समझना कि यहाँ पर हमको इन चारों मॉडल के थ्रू हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के प्रॉपर्टी को समझेंगे, किस तरीके से हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग आपका प्रॉपर्टी करता है, ठीक है बच्चों। तो एक एक करके समझते हैं। देखो शुरुआत के जो दो मॉडल होंगे बच्चों, इन दोनों मॉडल को हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल मॉडल। कौन सा मॉडल, क्लासिकल मॉडल, ठीक है, ये आपका क्लासिकल मॉडल होंगे, ठीक है। और ये दोनों जो मॉडल होंगे बच्चों वो आपके क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका पार्शियली क्लासिकल मॉडल, और साथ में आपका यहां पर एंड क्वांटम मॉडल, दोनों का मिक्सचर होगा, क्वांटम मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो आपका क्या होगा, क्वांटम मॉडल, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वांटम मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्वांटम मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को वेव के फॉर्म में मानते हैं, ठीक है। और क्लासिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन अपना कौन सा नेचर दिखाता है बच्चों, पार्टिकल नेचर। तो इस तरीके से हमारा मॉडल होता है। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर जो ये तीनों मॉडल है, ये तीनों मॉडल आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आते हैं, वीबीटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी। तो इस तरीके से हम इसको एक एक करके ध्यान से सीक्वेंस वाइज हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल, वीबीटी, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज वीबीटी, ठीक है। वीबीटी के अंदर आपके कौन कौन से आएंगे बच्चों, ध्यान से समझना, आप देखना, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको भी हमने वीबीटी के अंदर ही कंसीडर किया है।
यहाँ पर पार्शियली क्लासिकल और पार्शियली क्वांटम मॉडल मॉडल होता है, लेकिन हमको हमारे सिलेबस में हमको क्लासिकल मॉडल के ही बारे में पढ़ना है, तो हम यहाँ पर वीबीटी के अंदर ही किसको अज्यूम कर लेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन को। तो एक एक करके समझते हैं, यहाँ पर वीबीटी के अंदर आपके तीन टाइप के मॉडल आएंगे बच्चों, ठीक है। पहला क्या आएगा बच्चों, लुईस लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड आपका क्या आएगा बच्चों, यहां पर वीएसईपीआर थ्योरी, वीएसईपीआर मॉडल। और थर्ड आपका क्या आएगा बच्चों, यहां पर आएगा थर्ड आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये तो आपका सिंपल मैंने जो आपको बताया था वही सब है, ठीक है। अब यहां पर जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है बच्चों कि यहाँ पर जो आपका वीबीटी होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, तो मैं एक एक करके ध्यान ध्यान से समझना बच्चों। वीबीटी का नाम ही आपका क्या पड़ा है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोन मॉडल। तो इन वीबीटी वी हैव कंसीडर दैट, वी कंसीडर दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। आपके बॉन्डिंग में केवल और केवल कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एक एक करके ध्यान से समझिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपका पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। और साथ में हम क्या बोल सकते हैं, वीबीटी थ्योरी ये आपका क्या होता है बच्चों, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मॉडल। वीबीटी थ्योरी, वीबीटी इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मॉडल का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। आप लोग जनरल लाइफ में भी यूज करते हो, ये यहाँ का लोकलाइज्ड है, मतलब यहां से बाहर नहीं है, मतलब कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे जगह मूव नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं लोकलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब कि नो एनी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का किसी भी टाइप का आपका मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, लोकलाइज्ड। वो क्या होगा बच्चों, आपका लोकलाइज्ड। अब आगे जाके हम इसके जो ड्रॉबैक पाए पड़ेंगे, वो सिक्वेंसली हम इसके ड्रॉबैक पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इन मॉडल। अब देखो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपके कितने टाइप के होंगे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम में आपके इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होंगे बच्चों, दो टाइप के होंगे बच्चों, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होगा बच्चों आपका कोर इलेक्ट्रॉन, एक आपका होगा कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक होगा बच्चों आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होगा बच्चों आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विच इज पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, मतलब कि क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विच कैन पार्टिसिपेट। नहीं, यहां पर इसको ये नहीं बोल के हम इसको सिंपल बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कि मैंने आपको हमेशा एक ही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन्स इसको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बात क्लियर है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बच्चों आपका, एक होगा बच्चों आपका क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे,
बॉन्ड पेयर, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर एक होगा बच्चों आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी आप टाइप को समझ लो, इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब किसी से पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब अकेला है, मतलब लोन पेयर, ठीक है। अब आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस चीज का अच्छे से ध्यान रखो। अब देखो बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, विच कैन इलेक्ट्रॉन्स विच कैन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या होंगे बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो आपके पार्टिसिपेट नहीं होंगे वो क्या होंगे बच्चों, नॉन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस तरीके से हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल मल्टीपल हमने टाइप को समझा है, ठीक है। तो यहां पर जो लोन पेयर होता है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बोन पेयर होता है वो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरीके से हमको इस चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल वीवीटी, वीवीटी में एक एक करके सिक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर मॉडल, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे वीएसईपीआर मॉडल, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे, अगर यहां से अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। तो एक एक करके ध्यान से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर मॉडल तो देख लेते हैं एक बार। देखो लुईस स्ट्रक्चर मॉडल तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चों इसको, कि लुईस स्ट्रक्चर मॉडल आपका एक्चुअली में होता क्या है, ये भी आपका वीबीटी में। तो इसमें हमेशा क्या होगा बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपके पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, लुईस स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है, ध्यान से समझना, इट टेल्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर मतलब कौन सा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर मतलब कौन सा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इट टेल्स अबाउट लोन पेयर, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, या फिर आप लोन पेयर एंड एंड बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अराउंड हमको इसको किस तरीके से अरेंज करना है वो सब हमको क्या बताता है बच्चों, ये हमको लुईस स्ट्रक्चर मॉडल बताता है। तो ये मॉडल आपके किसके ऊपर बेस होता है, दिस मॉडल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ये मॉडल आपका कंप्लीटली किसके ऊपर बेस होता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस मॉडल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हो गया बच्चों, ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल का मतलब ये हो गया, ऑक्टेट रूल का मतलब हम बोल सकते हैं एवरी एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू
नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे एटम आपके कौन से नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं, ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। एवरी एटम हैव अ टेंडेंसी टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों, दिस इज अ स्टेबल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपका क्या होता है बच्चों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट्स व्हाई एवरी एटम हैव टू टेंडेंसी टू फॉर्म अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मीनिंग क्या हो गया, अपने जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन को करना चाहेगा बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को। देखो हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखना, हाइड्रोजन आपके भी क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन के लिए हमेशा क्या होता है, फॉर हाइड्रोजन एटम हमारा क्या होगा बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा बच्चों, वो हमेशा क्या बनाना चाहेगा, ड्यूप्लेट, वो हमेशा क्या फॉर्म करना चाहेगा, ड्यूप्लेट फॉर्मेशन को टेंड करेगा, ड्यूप्लेट फॉर्मेशन को टेंड्स करेगा, ठीक है। और अदर एटम आपके किसको फॉर्म करेंगे बच्चों, अदर एटम आपके किसको फॉर्म करना चाहेंगे, अदर एटम्स आपके किसको फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, बच्चों ऑक्टेट, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट फॉर्मेशन करेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब, आउटर मोस्ट ऑक्टेट का मतलब, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बच्चों वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, और हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। बस इतना आगे के लिए ध्यान रख लो, ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई तकलीफ ना हो। तो जैसे जनरली अगर मैं बोलूं कि फॉर्म द, क्वेश्चन एक लेता हूं मैं, फॉर्म द लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस डॉट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, मैं लेता हूं एक एग्जांपल, फिर उसके बाद हम समझते हैं एक एक करके, लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला मैंने लिया ये, जैसे देखो NaCl का मुझे लुइस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है, NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो NaCl में क्या होगा बच्चों, Na अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो प्लस, और Cl क्या करेगा, Na के एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर लेगा। तो Cl के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आपका किससे लेगा बच्चों, ये आपका सोडियम से, जैसे ही आपका सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को मैंने रेड से शो कर दिया, अब ये आपका इसका क्या हो गया बच्चों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, यहां पर लुइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NaCl, NaCl के लिए आपका लुइस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आयोनिक कंपाउंड का हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोगों को एग्जांपल के लिए मिल गया होगा कि किस तरीके से हम आयोनिक कंपाउंड का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको आयोनिक कंपाउंड का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो यहां पर देखो H2, सेकेंड में बात करता हूं बच्चों H2 एटम, तो H2 एटम क्या है बच्चों, कोवेलेंट हो या कुछ भी हो, हमें H2 के लिए क्या बनाना होता है, ड्यूप्लेट। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका इसका 1 होता है। तो मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्डिंग के डेफिनेशन में, कोवेलेंट बॉन्डिंग का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था उस टाइम, तो आप लोग समझ सकते हो एक एक करके ध्यान से। तो एक एक को तो मैंने ऐसे बना दिया, एक को मैं ब्लू मार्कर से बनाता हूं। अब दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके दोनों आपस में क्या बना लेंगे, ड्यूप्लेट। अब देखो हाइड्रोजन आपका क्या बनाता है बच्चों, ड्यूप्लेट, देखो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, HH, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। थर्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो बच्चों जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे कि टॉपिक हमारा एक्चुअली में चल क्या रहा था, ठीक है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा ये है सारे कंसेप्ट, लेकिन अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे। थर्ड आपका हो गया बच्चों, मैंने ले लिया जैसे CH4 में कार्बन, आपका कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर तो देखो 2 एटम है, 2 एटम में से
आपका हाइड्रोजन हमेशा आपका क्या होता है, टर्मिनल एटम, तो ये आपका इसको सेंट्रल एटम इसको मानेंगे, सेंट्रल एटम हम इसको मानेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते बच्चों, 4 होते। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बना दिया बच्चों मैंने। अब हाइड्रोजन जहां पर चारों ओर है तो चारों ओर हाइड्रोजन बना देता हूं। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन इस ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके क्या बना लेगा बच्चों, ये ड्यूप्लेट बना लेगा, ठीक है। लेकिन कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देख सकते हो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, CH H H H, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बन रहा है। ये तो सर पुरानी बातें, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। ये तो मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था बच्चों, पहले भी पढ़ाया था। लेकिन अब पॉइंट वाली बात ये है बच्चों यहाँ पर कि सर एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो अब ध्यान से समझना बच्चों, पॉइंट वाली बात तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं इन सभी आइटम का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, लाइक जैसे मैं अगर बनाना चाहूँ कि CO2 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, HCN- का बनाना चाहूँ, या फिर HCN का बनाना चाहूँ, दिस इज सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हम इसका स्ट्रक्चर इससे बनाने में काफी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। वी कैन नॉट फॉर्म दिस कंपाउंड इजिली, हम इजिली नहीं बना सकते। हमको पता ही नहीं है कि कितने बॉन्ड होंगे, कितने पार्टनरशिप होंगे। हाँ कोई कोई बच्चे इसको बना लेंगे, CO2 के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग बना लोगे। लेकिन हम क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से समझना, मैं आपको एक जनरल मेथड बताता हूँ। देखो जनरल मेथड आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का, तो मैं आपको एक जनरल मेथड बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, जनरल मेथड फॉर्मेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने का जनरल मेथड। अब इसका जनरल मेथड में आपको क्या बता रहा हूं समझना ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है जनरल मेथड। तो मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूं बच्चों, उस मेथड को सबसे अच्छे से ध्यान से समझना। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ The skeleton of the molecule, molecule का हमको skeleton draw करना है। जैसे अगर मैं example लूँ, example मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखो कैसे मैं ले लूँ example, ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर मैं example ले लूँ तो मैंने ले लिया H2O, ठीक है। और second मैंने ले लिया यहाँ पर मैं लगता हूँ ये हो गया ए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, और ये दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं NF3, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं इसका स्केलेटन ड्रॉ करूंगा तो ये थोड़ा कुछ आप लोग इस तरीके से ही ड्रॉ का करोगे स्केलेटन, तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग इन्हें ड्रॉ करने की टेंडेंसी रखोगे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर स्केलेटन को ड्रॉ करोगे, ठीक है। NF3 का मैं यहां बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए बच्चों, NF3 का स्केलेटन आप इसी तरीके से ड्रॉ करोगे। तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मैंने यहां पर क्या ड्रॉ कर लिया बच्चों, स्केलेटन ड्रॉ कर लिया। सेकंड हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जैसे यहां पर थर्ड एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं HCN, ठीक है, HCN, ठीक है। HCN का भी हम अगर स्केलेटन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर तो 3 मॉलिक्यूल है, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सेकंड आपका क्या होगा, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम क्या होगा, जिससे सारे बॉन्ड बॉन्डेड होंगे। देखो यहां पर नाइट्रोजन एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, यहां पर आपका बोल सकते हो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहा है,
यहाँ पर ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये सब आपके सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं। लेकिन पहले टर्मिनल एटम को समझ लो। तो यहां पर फर्स्ट ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑलवेज एक्ट एज टर्मिनल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑलवेज एक्ट एज टर्मिनल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपका किसकी तरह एक्ट करेगा? हमेशा टर्मिनल एटम की तरह। ये देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा टर्मिनल एटम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। वेयर एज आपका और भी मॉलिक्यूल एक्ट कर सकते थे, देखो, वेयर एज क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इट इज और इट ऑल्सो कैन एक्ट एज टर्मिनल एटम। मतलब क्या बोल सकता हूं बच्चों में, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर मेरे बोलने का मीनिंग क्या है कि आपका जो क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये भी आपके टर्मिनल एटम की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी को रखते हैं, ठीक है, ये भी आपके टर्मिनल एटम की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी को रखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, यहां पर सेकंड फर्स्ट लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपके टर्मिनल एटम की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, ये बात तो काफी सिंपल है। लेकिन क्या होगा, अब क्या होगा केस, देखो जहां पर आपका, देखो यहां पर आपका इसके केस में ये आपका सेंट्रल एटम, ये आपका सेंट्रल एटम, देखो हाइड्रोजन आपका टर्मिनल एटम करेगा, और यहां पर नाइट्रोजन के केस में ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके केस में क्या होगा, सेकंड देखो, मोर देन टू एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अगर कितना, दो से ज्यादा एटम अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, देखो एक एच ए, एक सी ए और एक एन ए। अब हम देखो काउंट करेंगे तो हम किसको लेंगे सेंट्रल एटम, विच है, एज्यूम एज सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन तो हमेशा आपका टर्मिनल एटम होता है कॉर्नर में, अब यहां पर नाइट्रोजन क्या है बच्चों, नाइट्रोजन आपका टर्मिनल एटम होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, सो दैट्स व्हाई हमको लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सेंट्रल एटम लेना पड़ेगा, देन इट इज बिहेव एज व्हाट, सेंट्रल एटम। ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझते बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट अब हम ध्यान से समझते, काफी इजी है, काफी सिंपल फंडा है, तो ये फंडा आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ ईच एटम। सभी एटम का हमको क्या निकालना है बच्चों, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वन हम लाते हैं बच्चों H2O का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, TVE करके लिखता हूं बच्चों में, ध्यान से समझ लेना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है, तो दो हाइड्रोजन है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, देख सकते हो आप लोग 6, तो टोटल यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, ठीक है। अब इसी तरीके से NF3 में भी आप देख सकते हो, NF3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग निकालो बच्चों कितने होंगे, नाइट्रोजन का आपका कितना होगा, 5 × 1, और फ्लोरीन का आपका कितना होगा, काउंट करो, फ्लोरीन का आपका 7 होगा,
सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई थ्री, टोटल काउंट करो, यह होगा, यह आपका हो जाएगा 21, यह आपका हो जाएगा 21, और यह आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 21 प्लस 5, हाउ मेनी बच्चों, तो यहां पर आपका हो जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी तरीके से HCN में काउंट करो, HCN में काउंट करो, तो HCN में क्या हो जाएगा बच्चों, HCN मॉलिक्यूल ये वाला, तो HCN मॉलिक्यूल में अगर मैं काउंट करूंगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए एक, और एक ही हाइड्रोजन है, कार्बन में चार होते हैं, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक ही कार्बन है, और नाइट्रोजन में आपके कितने होते हैं बच्चों, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक है, टोटल कितना हो गया, फोर, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप जो है बच्चों वो हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ बस, ठीक है। देन आफ्टर में बाद में समरी करके स्टेप लिखाऊंगा, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। और मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ, फिलहाल तो आप लोगों को लॉन्ग मेथड आपको आना चाहिए, ताकि आपकी आपसे कभी भी गलती ना हो, ठीक है। कैलकुलेट, अगला क्या होगा, कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टू हैव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। अब नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन वो भी कौन सा वाला, नियरेस्ट वाला, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए, तो ध्यान से समझेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आपके नोबल गैस में होते हैं, नियरेस्ट, तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर आपको यह समझ में नहीं आया स्टेटमेंट, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, पूछ सकते हो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन इन एटम एटम टू एक्ट टू एक्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन की तरह एक्ट करने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन में H2O की बात करूंगा, तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट नियरेस्ट टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, TERRN करके लिख रहा हूं मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फ्रॉम अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। अब देखो हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन का नियरेस्ट कितने होते हैं नोबल गैस, हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होता है बच्चों, हीलियम होता है, और ऑक्सीजन का कौन सा होता है, नियोन होता है। नियोन में कितने होते हैं बच्चों, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन में आपके कितने होंगे बच्चों, हाइड्रोजन में आप लोग कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन इसमें आपका कितना होगा बच्चों, आपका 8 होगा, और इसका आपका कितना होगा बच्चों, यहां पर 2 इंटू, यहां पर हीलियम का आपका 2 होगा, तो टोटल कितना होगा, 2 इंटू 2, और यहां पर नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इंटू 1, क्योंकि ऑक्सीजन का नियरेस्ट नियोन, हाइड्रोजन का नियरेस्ट हीलियम, हीलियम के लिए 2 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पर कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं TERN इसमें निकालना चाहूं NF3 में, तो NF3 का नियरेस्ट कौन होगा, NF3 का नियरेस्ट कौन होगा बच्चों, आप लोग जान सकते हो कि नियोन होगा, नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8, और ये आपका 1 है तो 1, ठीक है। NF3 में फ्लोरीन का नियरेस्ट आपका कौन होगा, वो भी नियोन होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां पर ये हो जाएगा 24, और ये आपका कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर HCN के केस में, तो HCN के केस में TERN कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का नियरेस्ट आपका हीलियम,
हीलियम का आपका 2 into 1, ठीक है। कार्बन का आपका, कार्बन की जगह नोबल में गैस को प्लेस कर दो, 8 हो जाएगा। कार्बन का नियरेस्ट आपका नियोन होगा, 8 into 1, ठीक है। और नाइट्रोजन का भी नियरेस्ट 8 into 1, टोटल कितना हो गया, 8 8 16 16, और ये कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन की जगह 2 कर दो और बाकी सब एटम की जगह 8 8 करते जाओ, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसे भी समझ लो, देखो मैंने हाइड्रोजन की जगह 2 कर दिया और अदर एटम की जगह 8 8 कर दिया, ठीक है। बस ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों क्या करना है। अब अगला स्टेप जो है हमारा, कैलकुलेट द टोटल, कैलकुलेट द टोटल टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, देखो, टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन अ नोबल प्लेस माइनस टीवीई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग पता लगा सकते हो कि कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूं बच्चों, H2O मॉलिक्यूल के लिए मैं टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा। H2O मॉलिक्यूल के लिए TERN कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब H2O मॉलिक्यूल के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 into 2 + 6, मतलब कितना था, 8 था। तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर समझना, अगर मैं बात करूं NF3 के केस में, तो NF3 के केस में आपका TBE कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग जल्दी से निकाल सकते हो। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर टोटल कितने, TERN 32 इलेक्ट्रॉन माइनस आपने TVE निकाला होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 5, इसमें कितने थे, 21, 21 प्लस 5 कितना, 26 था। तो यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉन, टोटल विल बी व्हाट, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। नाउ ये आपका टोटल कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर, कि यहां पर आप समझते ध्यान से, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, नहीं 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, कितना आएगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर HCN, HCN के केस में क्या होगा, टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन माइनस यहां पर कितना था, काउंट करना, हाइड्रोजन के लिए 1 था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टीवी, टीवी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ बच्चों में, जो मैंने पहले बता दिया, आप लोग पीछे भी रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन माइनस 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हो, टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझना ध्यान से कि मैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, ठीक है। वन बॉन्ड इक्वल टू 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर कितने, 4 है, तो यहां पर टोटल कितने बॉन्ड आपके फॉर्म होंगे बच्चों, यहां पर आपके 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। यहां पर आपके कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहां पर आपके 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे, और यहां पर आपके कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे बच्चों, यहां पर आपके 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसका मतलब जो हमने स्केलेटन बनाया, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हमेशा टर्मिनल लेना ही है, तो इसलिए मैंने पहले से टर्मिनल लिया, ये देखो ऐसे कर दिया, और यहां पर नाइट्रोजन को मैंने टर्मिनल लिया, देखो ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, देखो 3 बॉन्ड मैंने स्केलेटन का बना दिया, ठीक है। 3 बॉन्ड बन गए, बताओ 1 2 2 बॉन्ड, 1 2 3, 3 बॉन्ड। अब देखो 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कैसे बनाएंगे HCN में, देखो HCN, ठीक है। HCN के लिए आपकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है बच्चों, आप लोग समझ सकते हो बच्चों ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो काफी अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगा। तो पॉसिबिलिटी फॉर HCN, HCN के लिए पॉसिबिलिटी आपके 4 बॉन्ड की कौन कौन सी होगी, पॉसिबिलिटी फॉर HCN, HCN के लिए आपकी पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होगी, एक HC और ये आपका N, ये आपका डबल बॉन्ड हो ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी, या ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो ये आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से, या तो ये आपकी तीसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी आर इनकरेक्ट,
आपका फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी यहां पर आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं, यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी आपका गलत क्यों हो जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। देखो हाइड्रोजन क्यों होगा, हाइड्रोजन कैन ऑनली फॉर्म सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहीं से आप लोग स्टेटमेंट ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन केवल और केवल क्या बॉन्ड क्या फॉर्म करेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहां पर पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से समझना, चार बॉन्ड कैसे बनाएंगे हम, ये ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है, सिक्स स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पर सिक्स जो स्टेप होगा, यहां पर सिक्स स्टेप हमारा होगा काउंट द टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिक्स स्टेप, स्टेप सिक्स समझते बच्चों, हमारा यहां पर स्टेप सिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, काउंट द टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हमको टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों ध्यान से समझना, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल के लिए, अब देखो H2O मॉलिक्यूल के लिए यहां पर देख लेते हैं, फॉर H2O मॉलिक्यूल के लिए हम कैसे काउंट करेंगे। देखो यहां पर टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे बच्चों, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन H2O मॉलिक्यूल में कितना था बच्चों, आप लोग जान सकते हो कि टोटल H2O मॉलिक्यूल में टोटल आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर हमने एक लिया था, इसका फिर से कर रहे 2 × 1 × यहां पर कितना आएगा, 6 था इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन था। और टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों, यहां पर टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 थे, तो यहां पर टोटल कितना आ गया, 4 lone pair electrons कितना हो जाएगा, 4 lone pair electrons ये हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं बच्चों किसके लिए, NF3 molecule के लिए तो NF3 molecule के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख लेते, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स NF3 molecule के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग जानते हो यहां पर आपका 5 था, यहां पर 21, ये कितना था 26 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है 26 इलेक्ट्रॉन्स। और उसमें से आपका टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन आपका टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पर 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बच्चों, यहां पर 20, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम HCN के लिए काउंट करते हैं, देखो नाउ अब हम किसके लिए काउंट करते हैं, फॉर HCN के लिए काउंट करो, HCN के लिए क्या होगा, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स समझना बच्चों, यहां पर टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फॉर HCN, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 1, 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इसका कितना हो जाएगा, यहां पर 2, यहां पर 8, 16 और ये आपका टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां पर बात को ध्यान से समझना, 1 lone pair इक्वल टू 2 lone pair इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर कितने लोन पेयर होंगे बच्चों, 2 लोन पेयर होंगे, यहां पर कितने होंगे, यहां पर होंगे 10 लोन पेयर और यहां पर कितने होंगे, 1 लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लोन पेयर हो जाएगा। अब यहां तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोन पेयर को कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको क्या पता पड़ा था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हमको किस तरीके से अरेंज करना है। सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल,
सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल। अब देखो H2O मॉलिक्यूल मैंने बना दिया, ठीक है। फर्स्ट H2O मॉलिक्यूल के लिए इन H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल में हम कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। यहां पर हाइड्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा वो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो यहां पर कैसे काउंट करेंगे, एक दो, यहां पर कैसे काउंट करेंगे, एक दो, फोर हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन की वैलेंसी शेल कंप्लीट, यहां पर इस हाइड्रोजन के लिए एक दो, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के लिए एक दो तीन चार, ऑक्सीजन के लिए एक दो तीन चार, क्या इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कितने लोन पेयर, लोन पेयर को हम लगा देंगे यहां पर दो लोन पेयर, इस तरीके से हम लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको हम बोलेंगे लोन पेयर, इसको हम बोलेंगे बॉन पेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है बच्चों, टिपिकल नहीं है। धीरे धीरे देखो शुरुआत में आपको स्टेप बड़े लग रहे होंगे, बाद में आपके जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, सीधा मैं आप एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल में मैं आपको स्टेप नहीं बताऊंगा, सीधा एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। सेकेंड अब हम समझते हैं NF3, NF3 मॉलिक्यूल में। अब देखो NF3 मॉलिक्यूल में क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों, NF3 मॉलिक्यूल में देखो यहां पर आप जान सकते हो कि यहां पर फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन। टोटल फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेवन, सेवन में से एक पार्टिसिपेट कर चुका है, तो बचे कितने, सिक्स, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लगा दिए। खुद से पूछा करो क्वेश्चन, आप सिक्स इलेक्ट्रॉन लगा दिए, अब यहां पर कितने कितने पार्टिसिपेट किए, इसके एक इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, बचा कितना, सिक्स, तो यहां पर भी इसी तरीके से मैंने लगा दिए, यहां पर भी इसी तरीके से मैंने लगा दिए, ठीक है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ अब यहां पर देखो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में पांच होते हैं, पांच में से कितने पार्टिसिपेट किए बच्चों, एक दो तीन, रिमेनिंग कितने बचे, दो, दो मैंने यहां लगा दिए। देखो टोटल कितने लोन पेयर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस लोन पेयर, ठीक है। यहां पर भी बोल सकते कि हाइड्रोजन का एक वैलेंस, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ने पार्टिसिपेट कर लिया तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने पार्टिसिपेट कर लिया तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, एक, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में छह होते हैं, तो एक ने पार्टिसिपेट किया, दो ने पार्टिसिपेट किया, बचे कितने, चार, चार में से ये, ठीक है। इस तरीके से हम काउंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं बच्चों, इसको और अच्छे से समझना, बाकी और भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर फोर एच सी एन, ये आपका किसके लिए था बच्चों, NF3 मॉलिक्यूल के लिए था। नाउ HCN के लिए देखो बच्चों, हमने ये तो निकाल लिया था, यहां तक तो बॉन्ड बना लिए थे हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि सबसे पहले हाइड्रोजन ने कितने, हाइड्रोजन के कितने ने पार्टिसिपेट कर लिया, एक ने पार्टिसिपेट कर लिया, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ने पार्टिसिपेट कर लिया तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। कार्बन के वैलेंस शेल में चार होते हैं, तो देखो एक दो तीन और ये चार, मतलब तीन बॉन्ड की वजह से मैं यहां पर अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पर तीन बॉन्ड मैंने इस तरीके से बना दिए, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, कार्बन के यहां पर हाइड्रोजन का एक, अब मैं कार्बन का ब्लू मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक दो तीन चार, चार वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते, चारों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। नाउ नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते, पांच, लेकिन कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, नाइट्रोजन की कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, एक दो तीन, रिमेनिंग कितने बचे, दो, दो मैंने यहां लगा दिए। देखो दो मैंने यहां लगा दिए, तो ये कितने, दो इलेक्ट्रॉन का मिलके एक लोन पेयर बन जाएगा आपका। यहां पर भी कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है बेटा, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, ठीक है, काउंट द लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, इस तरीके से हमने यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने का कुछ मेथड समझा है, ठीक है। काफी इजी मेथड है, आप एक दो बार इसको स्टेप बाय स्टेप समझो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड
काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप सो कि आपको यहां तक का कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। मेनी टाइम्स अगर आप कॉल भी कर करते हो तो मैं अटेंड नहीं कर पाता, मेनी टाइम्स आप लोग मैसेज करते हो तो मैं उसको सॉल्व करके नहीं भेज पाता, तो इसके लिए सॉरी बेटा। लेकिन जैसे ही मैं आपका फ्री होऊंगा तो मैं आपको 100% आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा बच्चों, सो डोंट वरी अबाउट दिस। इसके लिए चिंता ना करो। यहां तक आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।